नमस्कार दोस्तों, न्यू लाइफ क्लासेस में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और मेरा नाम अमित कुमार पांडे। हम बात कर रहे थे मेडिवल हिस्ट्री में, हम लोग पढ़ रहे थे दिल्ली सल्तनत के बारे में। दिल्ली सल्तनत में हमने कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में पढ़ा, इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, जो कि दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक था, क्योंकि उसकी राजधानी दिल्ली थी। कुतुबुद्दीन ऐबक ने जब गुलाम वंश की स्थापना की तो उसने सर्वप्रथम अपनी राजधानी जो है लाहौर को बनाया। उसके बाद जब शमसी वंश की स्थापना जब इल्तुतमिश ने किया तो उसने लाहौर से अपनी राजधानी को दिल्ली में बनाया, इसीलिए उसे इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। उसके बाद हम बलबन के बारे में भी हम लोगों ने पढ़ा, रजिया सुल्तान के बारे में पढ़ा, पिछला वीडियो हम लोग पढ़ चुके हैं। यहाँ हम पढ़ेंगे अब खिलजी वंश के बारे में। खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन खिलजी ने किया था। तो खिलजी भी तुर्क थे, ठीक है, जो महमूद गजनवी और मोहम्मद गौरी के समय भारत आए थे। दिल्ली के सुल्तानों के समय सेना एवं अन्य प्रशासनिक पदों पर नौकरी करने लगे थे और सल्तनत काल की अव्यवस्था का फायदा उठाकर सल्तनत के स्वामी बन बैठे, ठीक है। जलालुद्दीन खिलजी जो है इसने खिलजी वंश की स्थापना की, ठीक है, जो क्यूमर्स था, दिल्ली सल्तनत का जो आपका बलबनी वंश का अंतिम शासक, उसकी हत्या करके जलालुद्दीन खिलजी जो कि वृद्ध था, वृद्ध व्यक्ति था, उसने उसकी हत्या करके खिलजी वंश की स्थापना की। उसके बाद इसके हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने, जो कि इसका दामाद भी था, ठीक है, और इसका भतीजा भी था, उसने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करके अलाउद्दीन खिलजी ने गद्दी हथिया ली। चलिए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग थोड़ा जान लेते हैं, क्योंकि ये संस्थापक था तो इसके बारे में जानना जरूरी है। वैसे तो खिलजी वंश में प्रसिद्ध शासक अलाउद्दीन खिलजी ही था, ठीक है, लेकिन जलालुद्दीन खिलजी के बारे में जानना आवश्यक है, क्योंकि हम लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसलिए सब कुछ जानना आवश्यक है, ठीक है। कुछ भी हम लोग छोड़ नहीं सकते, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आ सकते हैं और यहाँ से क्वेश्चन तो आते ही हैं, ठीक है। दिल्ली सल्तनत से क्वेश्चन आते हैं मेडिवल हिस्ट्री में। एक हो गया आपका दिल्ली सल्तनत और भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन जो था, और मुगल काल, यही बस हम लोगों को पढ़ना रहता है। और जो विदेशी आक्रमण हुए, ठीक है, अरब आक्रमण जो हुए, इस्लाम का जो आगमन हुआ भारत में, बस यही हम लोगों को पढ़ना है, उसी में मेडिवल हिस्ट्री आपका ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो चलिए जलालुद्दीन खिलजी के बारे में पढ़े हम। तो यह एक निष्ठावान, निष्कपट, दयालु और उदार व्यक्ति था। इसका राज्याभिषेक किलोखरी कुलागढ़ी के महल में हुआ। यह एक वृद्ध शासक था और दुश्मनों को विरोध दुर्बल नीति अपनाई इसने, ठीक है। सिद्धी मौला को विद्रोही गतिविधि में संलिप्त होने के कारण इसने मृत्यु दंड दिया। यह नव मुसलमान के बारे में हम लोग थोड़ा अगर जाने तो 1292 ईस्वी में हलाकू, जो कि मंगोल नेता के पौत्र अब्दुल्ला के नेतृत्व में मंगोल आक्रमण हुआ, परंतु मंगोल पराजित हुए। उनमें से कुछ मंगोलियों ने इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिया और दिल्ली के मुगलपुरा में बस गए। यही लोग नव मुसलमान कहलाए, मतलब नए मुसलमान कहलाए। कुछ जो मंगोल थे उन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया, तो वही जो मंगोल नए नए मुसलमान बने थे उनको नव मुसलमान कहा गया, ठीक है। 1292 में जलालुद्दीन की हत्या 1296 ईस्वी में इसके भतीजे और दामाद, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने की और स्वयं सुल्तान बन गया, ठीक है। तो अब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में हम लोग जानेंगे। खिलजी वंश का सबसे प्रसिद्ध शासक, और मैं कहूँगा कि दिल्ली सल्तनत का सबसे प्रसिद्ध शासक एक तरह से, ठीक है। इसने बहुत सारी चीज़ें की। अलाउद्दीन खिलजी के पिता का नाम शिहाबुद्दीन खिलजी था, जो जलालुद्दीन खिलजी का भाई था। जलालुद्दीन खिलजी ने अपनी पुत्री का विवाह अलाउद्दीन खिलजी से किया। भिलसा, चंदेरी और देवगिरी पर सफल अभियानों से अलाउद्दीन खिलजी को अपार धन प्राप्त हुआ, ठीक है। अभी पद्मावती जो मूवी आई थी, ठीक है, उसमें भी आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। ये बहुत ही क्रूर एक तरह से शासक था, लेकिन इसने बहुत तरह की चीज़ें की भारत में, ठीक है, इसलिए यह प्रसिद्ध है। अलाउद्दीन खिलजी ने जलालुद्दीन खिलजी की हत्या करवाई और सत्ता हासिल की।
जलालुद्दीन को मारने में शामिल षड्यंत्रकारी कौन कौन से लोग थे? तो अलाउद्दीन खिलजी सबसे पहले, उसके बाद अलाउद्दीन का भाई उलूग खां, उसके बाद मोहम्मद सलीम। ठीक है, दक्षिण भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी था और इसने विजय प्राप्त की थी। ठीक है, ठीक है। तो दक्षिण भारत पर सर्वप्रथम आक्रमण करने वाला मुसलमान अलाउद्दीन खिलजी ही था दिल्ली सल्तनत का, और इसने ही विजय प्राप्त की थी। अलाउद्दीन खिलजी को कड़ा में सुल्तान घोषित किया गया एवं राज्याभिषेक दिल्ली में बलबन के लाल महल में हुआ। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुए विद्रोह कौन कौन से हैं, विद्रोहों के बारे में जान लेते हैं। गुजरात विजय के पश्चात लूट के माल को लेकर 9 मुसलमानों ने विद्रोह किया, जो नए नए मुसलमान बने थे, जो मंगोल थे 1292 ईस्वी में, उन्होंने विद्रोह कर दिया। ठीक है, जिन्होंने इस्लाम धर्म कबूल किया था नया नया। तो हमीर देव से जा मिले रणथंभौर के शासक, अकात खां का विद्रोह हुआ, फिर मलिक उफर बदायूं का जो गवर्नर था, उसके बाद अवध के गवर्नर मंगू खां, उन्होंने विद्रोह किया, दिल्ली में हाजी मौला का विद्रोह हुआ। यह सब विद्रोह हुए, लेकिन इनका दमन भी किया गया, अध्यादेश जारी किया। कौन कौन से? तो अमीर वर्ग की भूमि संपत्ति जो थी उसको जब्त कर लिया गया, गुप्तचर प्रणाली का गठन किया गया, दिल्ली में शराब बंद कर दी गई, अमीरों के परस्पर मेल मिलाप और त्योहारों पर रोक लगा दी गई। ठीक है, तो यह सब विद्रोहों को दमन करने के लिए यह सब अध्यादेश जारी किए गए। ठीक है, अब खिलजी का राजस्व सिद्धांत देख लेते हैं। अमीर खुसरो ने अलाउद्दीन के लिए राजस्व के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अलाउद्दीन खिलजी को जिल्ले इलाही माना गया। ठीक है, तो जिल्ले इलाही किसको कहते हैं? तो अलाउद्दीन खिलजी को। ठीक है, परंतु यह सिद्धांत शरीयत के सिद्धांत पर आधारित नहीं था, इसमें इस्लामी सिद्धांतों का सहारा नहीं लिया गया, धर्म को राजनीति से अलग रखा गया है। ठीक है, धर्म को राजनीति से अलग रखा गया, इसे जिल्ले इलाही माना गया। अलाउद्दीन खिलजी ने खलीफा की सत्ता को मान्यता दी, लेकिन प्रशासन में उनके हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। इसने राजनीति को धर्म से अलग रखा, इसीलिए इसने खलीफा की सत्ता को स्वीकार किया, लेकिन राजनीति में हस्तक्षेप को स्वीकार नहीं किया। ठीक है, तो यहाँ एक विशेष रूप से ध्यान देने वाली बात है। इसने इस्लाम, उलेमा, खलीफा किसी का सहारा नहीं लिया, वह निरंकुश राजतंत्र में विश्वास करता था। अलाउद्दीन ने बलबन की जाति उच्चवाधिका नीति को त्याग दिया और योग्यता के आधार पर पदों का वितरण किया। देखिए, बलबन जो था उसने जाति के आधार पर पदों का वितरण किया था। ठीक है, जो उच्च जाति के लोग होते थे उनको ही उच्च पद दिया जाता था। ठीक है, सैनिकों की भर्ती भी उच्च जाति के लोग ही, अधिकतर लोग उसमें सेना में जो उच्च पद होते थे वो उच्च जाति के लोगों को ही मिलता था बलबन के टाइम में। लेकिन जब अलाउद्दीन आया तो योग्यता देखकर वो देता था पद, जो उच्च पद होते थे उसमें योग्यता के आधार पर वो भर्ती करता था। ठीक है, जाति आधारित वो नहीं करता था। ठीक है, इसीलिए इसे अच्छा एक सुल्तान माना गया। चलिए आगे अगर देखें, अलाउद्दीन खिलजी और सल्तनत का विस्तार कैसे हुआ? तो उत्तर भारत पर इसने बहुत सारे अभियान किए, जैसे गुजरात अभियान। तो अलाउद्दीन का प्रथम सैन्य अभियान 1298 में, ठीक है, गुजरात के विरुद्ध था, जिसमें इसका नेतृत्व किया उलूग खां और नुसरत खां ने। गुजरात का जो बघेल राजपूत था रायकरण, उसको पराजित किया, जैसलमेर विजित किया। ठीक है, जैसलमेर का किला, और इसी अभियान में मलिक काफूर इसको मिला। मलिक काफूर को इसने 1000 दिनार में ख़रीदा था, इसीलिए मलिक काफूर को हजार दिनारी नाम से जाना जाता है। ठीक है, यह क्वेश्चन CGL के एग्जाम में पूछा गया था। ठीक है, कि मलिक काफूर को और किस नाम से जाना जाता है, तो मलिक काफूर को 1000 दिनार में इसने ख़रीदा था, इसलिए हजार दिनारी नाम से जाना जाता है। ठीक है, रणथंभौर का विजय, अगर हम बात करें रणथंभौर के विजय की, तो 1301 ईस्वी में उलूग खां और नुसरत खां के नेतृत्व में रणथंभौर पर आक्रमण किया गया। पहले रणथंभौर के राणा हमीर देव ने आक्रमण विफल किया और नुसरत खां मारा गया। ठीक है, उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी ने कमान संभाली और राणा हमीर देव के प्रधानमंत्री रणमर ने धोखा दे दिया, इसलिए हमीर देव पराजित हुआ और मारा गया। ठीक है, तो उसको धोखा मिल गया, इसलिए वो हार गया। ठीक है,
हमीर काव्य के अनुसार रतिपाल और किस पर इस पराजय के प्रमुख कारण थे, और इस अभियान में 9 मुसलमानों ने राणा हमीर देव का साथ दिया था। 9 मुसलमान जो मंगोल थे, जो नए नए मुसलमान इस्लाम धर्म को कबूल किए थे, उनको कहा जाता है। ठीक है, ये मैं बता चुका हूँ। हमीर देव की मृत्यु के बाद रणथंभौर की राजपूत महिलाओं ने जौहर कर लिया था। ठीक है, राजस्थान में जौहर का यह प्रथम साक्ष्य था। जौहर के दौरान एक अग्नि कुंड बनाया जाता था। पुरुषों द्वारा युद्ध में जाते समय केसरिया वस्त्र धारण किए जाते थे, यह केसरिया करना कहा जाता था। यदि युद्ध में राजा मारा जाता था तो रानी एवं अन्य स्त्रियां अपने स्वाभिमान एवं इज्जत की रक्षा के लिए इस अग्निकुंड में कूदकर जान दे देती थी और अपने गौरव और सतीत्व की रक्षा करती थी। ठीक है, जैसे आपने पद्मावती मूवी में भी देखा होगा, ठीक है, कि दीपिका पादुकोण जो है जौहर कर लेती हैं। ठीक है, पद्मावती रानी का वो किरदार निभाई हैं। ठीक है, जैसे चित्तौड़गढ़ पर अभियान, ठीक है, तो चित्तौड़गढ़ पर अभियान 1313 ईस्वी में इसने किया और अलाउद्दीन खिलजी ने ही इसका नेतृत्व किया था। इससे पूर्व यह किसी सुल्तान ने नहीं जीता था। चित्तौड़गढ़ पर जो आक्रमण किया इसने 1313 ईस्वी में, तो इसने कभी भी इससे पूर्व यह किसी सुल्तान ने यह आक्रमण नहीं किया था यहाँ पर। ठीक है, इसके क्या कारण थे? तो चित्तौड़गढ़ का किला सामरिक महत्व का था, जो अलाउद्दीन खिलजी के दक्षिण भारत के अभियानों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता। और एक कारण, सबसे महत्वपूर्ण कारण यह था कि राजा रतन सिंह की रानी पद्मनी या पद्मावती को प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, जो कि इसके साक्ष्य कहाँ मिलते हैं, मलिक मोहम्मद जायसी की रचना जो पद्मावत है उसके अनुसार यह मिलता है कि चित्तौड़ पर इस आक्रमण किया अलाउद्दीन ने, क्योंकि राजा रतन सिंह की रानी जो पद्मनी है या पद्मावती, उसको वह प्राप्त करना चाहता था। ठीक है, अब इस युद्ध में रतन सिंह वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मनी ने जौहर किया। ठीक है, इस युद्ध में चित्तौड़गढ़ के 2 वीर सैनिक गोरा और बादल वीरगति को प्राप्त हुए। गोरा और बादल की कहानी बहुत ही प्रसिद्ध है और इसी युद्ध में गोरा और बादल जो है वीरगति को प्राप्त हुए थे। ठीक है, चित्तौड़गढ़ के थे, चित्तौड़गढ़ पर अधिकार कर लिया इसने और चित्तौड़गढ़ को अपने पुत्र खिज्र खां को सौंप दिया और इसका नाम खिजराबाद कर दिया गया। इस अभियान में अमीर खुसरो अलाउद्दीन खिलजी के साथ था, परंतु अमीर खुसरो ने पद्मावती की घटना का कोई उल्लेख नहीं किया। ठीक है, चलिए आगे बात करें। तो मालवा का जो अभियान था, इस अभियान का भी नेतृत्व आइनुल मुल्क मुल्तानी ने किया है और मालवा का शासक उस समय था महलक देव। वह भाग गया और मालवा भी सल्तनत का हिस्सा बन गया। ठीक है, मतलब इसका क्षेत्र विशाल होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। ठीक है, सिवाना पर भी अभियान किया। ठीक है, सिवाना के शासक सातल देव थे, अलाउद्दीन खिलजी के मध्य युद्ध हुआ। ठीक है, और सातल देव इसमें वीरगति को प्राप्त हुए और राजपूत स्त्रियों ने जौहर कर लिया। ठीक है, और खैराबाद इसका नाम रख दिया अलाउद्दीन ने इस दुर्ग का, और कमालुद्दीन दुर्ग कुर्क को किले का संरक्षक नियुक्त किया। जालौर पर भी अभियान किया, कान्हदेव सोनगरा और अलाउद्दीन खिलजी के मध्य हुआ जालौर का युद्ध और कान्हदेव वीरगति को प्राप्त हुए। ठीक है, अब ये सब तो उत्तर भारत के अभियान थे। अब दक्षिण भारत में अगर हम बात करें दक्षिण भारत के अभियानों की, तो देवगिरी, उसके बाद तेलंगाना, उसके बाद होयसल, उसके बाद मदुरा, ये सब इसने युद्ध लड़े। तो अगर देवगिरी की बात करें तो वहाँ के राजा थे रामचंद्र देव, तेलंगाना में वारंगल में प्रताप रुद्र देव के साथ, होयसल में द्वार समुद्र बल्लाल द्वितीय के साथ, मदुरा में मदुरै जो पांडे वंश के राजा थे कुलशेखर, उनके साथ युद्ध लड़ा। ठीक है, देवगिरी अभियान की अगर बात करें तो अलाउद्दीन के आक्रमण के समय देवगिरी में सेना ही नहीं थी। ठीक है, और रामचंद्र का पुत्र सिंघल देव अपनी सेना दक्षिण अभियान के लिए ले गया था। रामचंद्र देवगिरी के किले के अंदर चला गया, अलाउद्दीन ने जनता को जी भर कर लूटा क्योंकि सेना थी नहीं। रामचंद्र ने संधि प्रस्ताव भेजा, परंतु सिंघल देव ने युद्ध करने का निश्चय किया, परंतु सिंघल की सेना मैदान छोड़कर भाग गई। यह देख सिंघल देव ने पुनः संधि की मांग की, अलाउद्दीन ने कठोर शर्तों के साथ संधि स्वीकार की। रामचंद्र एवं सिंघल देव ने प्रति वर्ष कर देने का वचन दिया। ठीक है,
देवगिरी अभियान के समय अलाउद्दीन ने अपार धन प्राप्त किया था। अब देवगिरी का द्वितीय अभियान अगर देखें तो देवगिरी के शासकों ने 2-3 वर्ष तक अलाउद्दीन को कर देना बंद कर दिया था। इस कारण देवगिरी पर पुनः आक्रमण किया गया। इस आक्रमण के बाद खिलजी ने रामचंद्र को राय रायने की उपाधि प्रदान की एवं गुजरात में नवसारी की जागीर और 1 लाख सोने के टैंक भेंट किए। इसका उद्देश्य अलाउद्दीन दक्षिण भारत पर विजय के लिए एक भरोसेमंद साथी चाहता था। ठीक है, तेलंगाना अभियान अगर बात करें तो मलिक काफूर ने इसका नेतृत्व किया था। मलिक काफूर जिसे कि 1000 दिनारी कहते हैं क्योंकि 1000 दिनार में इसको खरीदा था। गुजरात अभियान के समय देवगिरी के शासक रामचंद्र ने मलिक काफूर का पूरा सहयोग किया था। वारंगल के शासक ने बिना युद्ध किए अधीनता स्वीकार कर ली और प्रतीक के रूप में सोने की एक मूर्ति जिसके गले में सोने की जंजीर भी थी वह भेंट स्वरूप उसको दिया। वारंगल के शासक प्रताप रुद्रदेव ने घोड़े हाथी रत्न सोना चांदी आदि दिए। कोहिनूर हीरा यहीं के से मलिक काफूर ने प्राप्त किया। ठीक है, होयसल अभियान द्वार समुद्र की विजय। होयसल राज्य पर बल्लाल द्वितीय का शासन था। इस अभियान का नेतृत्व तो मलिक काफूर ने किया। ठीक है, देवगिरी शासक रामचंद्र ने काफूर की सहायता की। ठीक है, रामचंद्र जो है दक्षिण भारत में इसके अभियान का प्रमुख साथी बन चुका था अब। ठीक है, तो देवगिरी के शासक रामचंद्र ने फिर से सहायता की। आक्रमण के समय बल्लाल पांडे राज्य के गृहयुद्ध में वीर पांडे की सहायता के लिए दक्षिण की ओर गया हुआ था। बल्लाल ने प्रतिवर्ष कर अदा करने की संधि की तथा बहुत अधिक मात्रा में सोना चांदी हीरा मोती आदि उसको दिए। बल्लाल को अपने अगले अभियान में सहायता के लिए विवश किया। पांडे अभियान और मदुरा पर विजय। द्वार समुद्र के बाद मलिक काफूर पांडे राज्य की ओर बढ़ा। इस अभियान में बल्लाल द्वितीय ने मलिक काफूर की मदद की। पांडे शासक के 2 पुत्र सुंदर पांडे और वीर पांडे के बीच सिंहासन को लेकर गृह युद्ध चल रहा था। मलिक काफूर ने सुंदर पांडे का पक्ष लिया परंतु मलिक काफूर न तो वीर पांडे को हरा सका और न ही कोई शर्त ला सका। अब गृह युद्ध में वीर पांडे जीत गया और सुंदर पांडे को बाहर निकाल दिया। इस अभियान में मलिक काफूर ने क्या किया कि मंदिरों को लूटा, नगरों को लूटा, लेकिन वीर पांडे से न जीत सका। ठीक है, उसको हरा नहीं सका। बल्लाल द्वितीय को दिल्ली बुलाया गया और उसकी सहायता से प्रसन्न होकर अलाउद्दीन ने उपहार स्वरूप खिलट, 1 मुकुट और छत्र और 10 लाख टका मुद्राएं प्रदान की। यह विजय राजनीतिक दृष्टि से महत्वहीन था परंतु आर्थिक दृष्टि से महान विजय थी। ठीक है, क्योंकि लूट मार तो बहुत किया लेकिन उस पर अधिकार नहीं कर सका। ठीक है, क्योंकि लूट मार बहुत किया इसीलिए आर्थिक दृष्टि से तो बहुत महत्वपूर्ण था। ठीक है, क्योंकि उसको बहुत अधिक मात्रा में सोने चांदी हीरे जवाहरात प्राप्त हुए लेकिन उस क्षेत्र पर अधिकार नहीं कर सका। देवगिरी पर द्वितीय आक्रमण उसने किया। रामचंद्र के पुत्र सिंघलदेव ने सिंहासन पर बैठते ही संतलत की अधीनता के सब लक्षणों को समाप्त कर दिया और स्वतंत्र शासक की भांति कार्य करने लगा। मलिक काफूर को आक्रमण के लिए भेजा गया और सिंघलदेव की पराजय हुई और सिंघलदेव युद्ध में मारा गया। रामचंद्र के दामाद हरपाल देव को गद्दी पर बैठाया गया। अब अलाउद्दीन द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो इसके प्रशासन के बारे में अगर हम बात करें, तो दीवान ए वजारत एक होता था जो कि प्रमुख वजीर होता था। ठीक है, इसका जो मुख्य विभाग होता था वो वित्त विभाग था। ठीक है, यह वजीर जो होता था वो राजस्व के एकत्रीकरण, प्रांतीय सरकारों के दीवानी पक्ष के प्रशासन में सुल्तान के प्रति उत्तरदायी था। ठीक है, दीवान ए आरिज सैन्य मंत्री होता था, सेना की भर्ती, वेतन बांटना, सेना का हुलिया और सेनों की नामावली रखता था। दीवान ए इंसा जो होता था इसका कार्य शाही आदेशों और पत्रों का प्रारूप तैयार करना होता था। ठीक है, और पत्र व्यवहार करना स्थानीय अधिकारियों से। दीवान ए रसातल जो होता था पड़ोसी राज्यों में भेजे जाने वाले पत्रों का प्रारूप तैयार करना और विदेशी राजपूतों से, राजदूतों से संपर्क रखना। ठीक है, दीवान ए रियासत
जो है वो नया मंत्रालय स्थापित करता था। ठीक है, अलाउद्दीन ने यह नया मंत्रालय स्थापित किया था। इसका कार्य राजधानी के आर्थिक मामलों की देखभाल करना था, व्यापारी वर्ग पर नियंत्रण रखता था। अन्य अधिकारी अगर देखें तो मुहतसिब जो होते थे वो बाजार पर नियंत्रण रखते थे और नाप तोल का निरीक्षण करते थे। ठीक है, और बरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का प्रमुख अधिकारी होता था। अन्य तथ्य जो कि बार बार यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं तो मैंने लिख लिया है, अलाउद्दीन एक नया धर्म शुरू करना चाहता था तथा सिकंदर के समान विश्व विजेता बनना चाहता था। ठीक है, परंतु काजी अता उल मुल्क के परामर्श से ये दोनों योजनाएं इसने त्याग दी। ठीक है, सिकंदर के ही तरह यह भी विश्व विजेता बनना चाहता था और अलग धर्म भी शुरू करना चाहता था, लेकिन अता उल मुल्क के परामर्श से यह दोनों योजनाएं इसने त्याग दी, छोड़ दी। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सिक्कों पर स्वयं को दूसरा सिकंदर घोषित किया और सिकंदर ए सानी का खिताब प्राप्त किया। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी ने स्वयं को यास्मीन उल खिलाफत नासिरी अमीर उल मुनीजिन घोषित किया। अलाउद्दीन ने घोड़ों को दागने की प्रथा, सैनिकों का हुलिया रखने की प्रथा, सेना को नगद वेतन देने की शुरुआत की। ठीक है, तो ये सब इसने किया। इसने ही सर्वप्रथम क्या किया था, सैनिकों की हुलिया रखने की प्रथा, घोड़ों को दागने की प्रथा, सेना को नगद वेतन देना, ठीक है, अस्थाई सैनिक रखने की प्रथा, ये सब शुरू किया। ठीक है, दुबश्यप देखे तो जो दो अस्पा कहा जाता है, ठीक है, दो जो सैनिकों दो घोड़े रखता था उसे दुबस्पप कहा जाता था, जो सैनिक दो घोड़े रखता था उसे दुबस्प कहा जाता था। अलाउद्दीन खिलजी ने शराब तथा भांग पर रोक लगा दी। अलाउद्दीन ने भूमि को बिस्वा में मापने की प्रथा शुरू की। गृहकर जो होते थे घड़ी और चराई कर, चरी नए कर लगाए गए। सभी आवश्यक वस्तुओं की कीमत निर्धारित कर दी गई। ठीक है, सभी जो आवश्यक वस्तुएं थी उसकी वास्तविक कीमत निर्धारित कर दी गई। उससे अधिक कोई कीमत लेता था तो उसको दंड दिया जाता था। ठीक है, चार अलग अलग बाजार स्थापित किए गए। गल्ला बाजार, यहाँ पर खाद्यान्न चीज़ों का बाजार था। सराय ए अदल, यह निर्मित वस्तुओं और बाहर ले जाने वाले माल का बाजार था। घोड़े दास और मलेशियों का बाजार। और दरबारी कवि कौन कौन से थे, तो अमीर खुसरो और हसन दहलवी। ठीक है, अमीर खुसरो इसके दरबारी कवि थे अलाउद्दीन खिलजी के। दीवान ए मुख्तलराज, ठीक है, मुख्तलखाज। अलाउद्दीन ने भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए इस नए विभाग की स्थापना की थी। तो खिलजी वंश यहाँ पे हमारा समाप्त होता है। आशा है आपको वीडियो पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पे आप सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। तुगलक वंश हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है।